उधर जनपद बिजनौर के कस्बों ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर झोलाछाप डॉक्टर और जिम्मेदारों की मिलीभगत से मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थिति यह है कि झोलाछाप डॉक्टर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, अनट्रेंड होने के बावजूद ऑपरेशन कर रहे हैं और मरीजों से उनके परिजनों से मोटी रकम वसूली जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरीके की शिकायतें मिली पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती रही। आरोप है कि बिजनौर सीएमओ ने झोलाछाप डॉक्टरों की जांच के लिए अलग अलग तहसीलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं पर ये वसूली में लगे रहते हैं। ताजा मामले में तो कुछ ऐसा है कि एक अस्पताल ने नवजात के जान के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। तो बिजनौर से ये शिकायतें सामने आ रही जहां पर झोलाछाप डॉक्टरों का कहर जो है सर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ जिम्मेदार जो है नोडल ऑफिसर्स को ग्राउंड जीरो पर तैनात करके रखे हुए ताकि झोलाछाप डॉक्टरों पर लगाम लगाया जा सके, पर आरोप यह है कि जो नोडल अफसर हैं यही वसूली में लगे रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह बड़ी लापरवाही यहां बिजनौर में देखने को मिल रही है जहां पर झोलाछाप डॉक्टरों का कहर जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। एक के बाद एक तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं पर सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति चल रही है क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने अब आते ही जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे मना करे तो इन्होंने जबरदस्ती इनके हम नॉर्मल करके देंगे, तो मैंने मना करके मुझे भर्ती नहीं करना आपके अस्पताल में। इन्होंने जबरदस्ती नॉर्मल के नाम पे और 11 से 10 घंटे इन्होंने नॉर्मल तो इन्होंने वो करा और सुबह को 9 बजे ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन करके और बच्चों को मृत तक मेरा हाथ में समा दिया। बच्चा मरा हुआ है आपका? सर बच्चा जिंदा था मगर इन्होंने ऐसे मरा था, वहाँ मरा हुआ दिखाया। अब मुझे कह रहे थे बच्चा जिंदा है आपका। आपने पुलिस से कोई शिकायत की है? सर पुलिस से शिकायत करी सर, मैंने पुलिस को बुलाया कि यही मेरा को राधा हेल्थ केयर में निरीक्षण किया गया तो यहाँ डॉक्टर अभिलेख कुमार के MD फिजिशियन के सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड हैं। 30 अप्रैल 2024 तक के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल किया हुआ है लेकिन जो मतलब शल्य हुआ है, मतलब सर्जरी हुई है, उसकी किसी शल्य के डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो उसी के आधार पर ये थाना अध्यक्ष महोदय बढ़ापुर के लिए प्राथमिकी तैयार करके उनको दर्ज कराई जा रही है। कौन किसने किया होगा ऑपरेशन? कोई मतलब टेक्नीशियन थी, कोई सर्जन यहाँ आया? इनके द्वारा बताया जा रहा है। वो कौन डॉक्टर का नाम क्या है?